Assalamu alaikum. My name is Mudassir Bhatt and aapko main khush aamdeed kehta hu ek aur tutorial pe from Mudtoons Comics and Cartoons. So let's begin. Today we'll be talking about perspective. So perspective jo hai basically is a very nifty way of actually defining the distance between two objects or also give them depth. मतलब के जो करीब वाला object है उसको दूसरे जो दूर वाले object जो दूर object है उससे ज़रा differentiate करने के लिए. For example, if I take two pens and I bring one pen close to the camera and I bring the other one farther away from the camera, so you can see कि which one is closer to the camera because जो कैमरे के करीब है वो साइज में बड़ा लग रहा है, ठीक है. और इसी तरह जो कैमरे से दूर है जिसको मैं अभी वेव कर रहा हूँ वो साइज़ में छोटा लग रहा है. तो ये जो स्केलिंग होती है ये पर्सपेक्टिव या पॉइंट पर्सपेक्टिव या थ्री डिमेंशनल जो एक आप ग्राफिक्स फील्ड बनाते हैं उसमें जो है उसको एक 2D फ्लैट ऑब्जेक्ट को 3D डेप्थ देने में या 3D इमेज दिखाने में या इल्यूजन देने में कि वो 3D है बहुत हेल्प करती है. सो पर्सपेक्टिव की जो है तकरीबन तीन टाइप्स होती हैं, लेकिन उसके बाद जो एक चौथी टाइप भी होती है जो कि नॉर्मली आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. फर्स्ट टाइप इज़ कॉल्ड द वन पॉइंट पर्सपेक्टिव. The second one is called, as the name implies, two-point perspective. और third को कहते हैं perspective. और इसके बाद जो fourth type आती है जो कि artist आमतौर पे या landscape painters या जो मसलन backgrounds design करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों की वो जो हैं बहुत यूटिलाइज करते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड मल्टी पॉइंट पर्सपेक्टिव. मल्टी पॉइंट पर्सपेक्टिव बेसिकली होता ये है कि आप जो हैं 3-point पर्सपेक्टिव और एक 2-point पर्सपेक्टिव या 3-point और 1-point पर्सपेक्टिव की दो इमेजेस को लेके जो है ना उनको कंपेयर करते हैं. क्योंकि कभी कभार ये होता है कि आपका जो है एक व्यू में इमेज फ्लैट नहीं पड़ा होता, इमेज थोड़ा सा टेढ़ा या साइड पे या कोई डायमेंशंस उसकी स्क्यूड हुई हुई होती हैं. तो वो जो स्क्यूड डायमेंशंस हैं और उसको 3D लुक देने के लिए जो है मल्टी पॉइंट पर्सपेक्टिव का टर्म यूज़ किया जाता है. तो लेट्स बिगिन आर इंट्रोडक्शन टू पर्सपेक्टिव. अब पर्सपेक्टिव में सबसे पहली चीज़ जो आपको अंडरस्टैंड करनी है वो है वैनिशिंग पॉइंट. वैनिशिंग पॉइंट जो है ना वो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो कि बेसिकली ना जिसको होराइजन लाइन भी कहा जाता है, ठीक है. इट इज़ बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम वन मेड अप ऑफ टू पॉइंट्स, ठीक है. और आम तौर पे आप समंदर पे जब देखते हैं ना, समंदर के साहिल पे अगर आप जाएं तो आपको नज़र आता है कि एक एज सी बनी हुई है जो कि एक आर्च सी होती है. नॉर्मली वैनिशिंग पॉइंट इस तरह का बना हुआ होता है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट लोग जो हैं उसको जो है ना ड्रॉ करते हैं एज अ स्ट्रेट लाइन लाइक सो, ठीक है. अब वैनिशिंग पॉइंट जो है ना इसके आगे जो है ना समंदर आपको नज़र नहीं आता. पुराने ज़माने में एक टर्म यूज़ होती थी कि जनाब एज ऑफ द सी और एज ऑफ द वर्ल्ड. वो कहते थे कि द वर्ल्ड इज़ बेसिकली फ्लैट लाइक सो, ठीक है. और उस पर जनाब इट्स ऑन टॉप ऑफ लाइक अ जाइगेंटिक टॉर्टस टेकिंग द वर्ल्ड ऑन इट्स शेल, ठीक. सो ये कहा जाता था, बेसिकली एक कहावत थी. बहुत सारी मिथ्स और मिथोलॉजीज़ होती हैं और मसलन ये जो है मसलन वर्ल्ड मैप है. सो इस तरह की जो है ना आइडियोलॉजीज थी अबाउट पर्सपेक्टिव. सो पर्सपेक्टिव बेसिकली जो है इज़ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. और अभी जो है मैं आपसे वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में डिस्कस करता हूँ. वन पॉइंट पर्सपेक्टिव बेसिकली जो है होराइजन लाइन के ऊपर आप एक और सेंटर में पॉइंट बनाते हैं और इससे जो है मल्टीपल लाइंस आप एक्सट्रूड करते हैं बाहर, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी. और कभी कभार आप ये भी कर सकते हैं कि पेज को
इस तरह घुमा लें, मसलन लाइक अगर आपसे लाइंस सीधी नहीं बन रही तो आप पेज को थोड़ा सा टेढ़ा कर लें लाइक सो, जो हम पेज को अपनी अपनी मुनासिबत से सीधा टेढ़ा करते रहें, घुमाते रहें। लेट्स से कि आप एक बॉक्स बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब आप जो हैं एक बॉक्स बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो जो बॉक्स है वो बॉक्स जो है वो कहीं इस जगह पे या कहीं इस जगह पे कहीं पे पड़ा हुआ है, इन थ्री इन दिस स्पेस इट समवेयर। सो लेट्स से कि वो बॉक्स जो है वो इस तरफ पड़ा हुआ है और थोड़ा सा ना हम उसको पहले हम उसको सीधा बनाते हैं, फिर हम लोग एक और बॉक्स इधर बनाएंगे जो ज़रा थोड़ा सा टेढ़ा होगा। सो लेट्स मेक अ बॉक्स, मेक अ स्ट्रेट लाइन। ये दो पॉइंट्स जो हैं बॉक्स की एक एज हो गई, ठीक है। हम लोग इधर से इसको स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं, पहले रेक्टेंगुलर पे नहीं काम करते, पहले हम लोग एक स्क्वायर बॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं। सो ये जो है एक स्क्वायर आपने बनाया, ठीक है। इसके बाद जो है ना इस बॉक्स की डेप्थ होगी, तो आप जो है ये एक डॉटेड लाइन बनाते हैं और इसी तरह आप एक और डॉटेड लाइन यहाँ से बनाते हैं और एक और आप डॉटेड लाइन बनाते हैं जो इस जगह से इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब आपको ये पता चल गया कि आपका बॉक्स जो है उसकी डेप्थ मतलब उसकी जो थिकनेस है वो थ्री डिमेंशनली क्या होगी, और वो ये है, ये लाइन और फिर ये लाइन। इसके बाद आप इसी लाइन को यहाँ पे ज्वाइन करते हैं स्ट्रेट वर्टिकली, तो ये आपकी बॉक्स की डायमेंशन आ गई इन थ्री डिमेंशनल स्पेस। इसी के मुकाबले में अगर आप एक और डिस्टेंस में बॉक्स बनाना चाहते हैं तो वो जो है वो कुछ ऐसे बनेगा। अब नोटिस ये कीजिएगा कि ये जो बॉक्स मैं दूसरा बना रहा हूँ छोटे वाला, इसका साइज़ और इस वाले बॉक्स का साइज़ वो सेम है, लेकिन मज़े की बात ये है कि चूंकि ये बॉक्स जो है ये एक थोड़े से डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है तो आपको ये इल्यूजन दे रहा है कि ये बॉक्स छोटा है, बॉक्स नंबर वन इज़ स्मॉलर देन बॉक्स नंबर टू, विच इज़ नॉट द केस, बोथ बॉक्सेज आर द सेम। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं थोड़ा सा स्क्यूड बॉक्स बनाता हूँ, दिस इज़ नाउ स्लाइटली स्क्यूड लाइन, ठीक है, और मैं इसको जो हूँ ना यहाँ से खड़ा करता हूँ ऐसे स्ट्रेट लाइन में, थोड़ा सा सॉरी लाइन टेढ़ी हो गई। एंड समटाइम्स इट हैपेंस कि आपका जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट होते हैं उनसे भी लाइन कभी कभार थोड़ी सी टेढ़ी। अब नोटिस करें कि जिस तरह ये आपने जिस डायरेक्शन में ये लाइन बनाई है उसी डायरेक्शन में आपकी ये लाइन होनी चाहिए, इट शुड बी इक्वली पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। एंड देन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम हेयर, तो ये आपका बॉक्स बन गया एक और। अब इसी बॉक्स की आप जो है ये देखें कि ये वैनिशिंग पॉइंट से इसकी एज को एक लाइन ज्वाइन कर रही है, तो आप इस लाइन को स्ट्रेट यहाँ से लेके जाएं और किसी एक पॉइंट पे जाके ये जो है स्क्वायर बॉक्स लगेगा, तो आप जो है उसकी मेजरमेंट कैलकुलेशन अंदाजे से करें। नॉर्मली ये होता है कि आप एक क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, क्रॉस सेक्शन बनाने के बाद अब उसकी डिस्टेंस उससे कैलकुलेट करते हैं, तो वो या तो आप वो कर लें, मसलन ये इसका क्रॉस सेक्शन बनेगा, ये यहाँ से एक लाइन जाएगी, ठीक है, वो जो है इधर से क्रॉस सेक्शन करेगी और फिर ये आपका यहाँ से ये बन जाएगा पॉइंट, ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ से क्रॉस सेक्शन बन रहा है, दिस इज़ योर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये जो है यहाँ से यूं करके आती है और ये जो है आपका क्रॉस सेक्शन होता है। अब आप जब इस लाइन को इस लाइन के साथ जोड़ेंगे इन दिस डायरेक्शन, और ये भी नोटिस करेंगे ये पैरेलल होना चाहिए इस डायरेक्शन में, तो ये अब एक और आपका बॉक्स है, लेकिन ये स्लाइटली स्क्यूड है, मतलब ये इस तरफ की तरफ थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, टर्न हुआ हुआ है। सेम इज़ द केस कि अगर आप इधर एक और बॉक्स बनाते हैं इसी के सेम डायरेक्शन में एक और बॉक्स बनाते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, एंड आई ड्रॉ अनदर सेम बॉक्स द सेम डायमेंशन। नोटिस कि ये जो दोनों बॉक्सेज हैं ये एक ही मतलब साइज़ के हैं, मतलब यू कैन यूज़ द सेम टेक्निक फॉर पेन्स, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक पेन बनाता हूँ और मैं पेन जो है थोड़ा सा स्क्यूड बनाता हूँ, ठीक है, टेढ़ा करके, सो ये जो है थ्री डायमेंशनल स्पेस में एक पेन है, ठीक है, एंड इट्स गॉट अ क्लिप, और मैं ड्रॉ करता हूँ, तो ये पेन जो है दोनों एक जैसे पेन है, मतलब एक जो पेन है वो दूर है, एक पेन करीब है, लेकिन डिस्टेंस की वजह से ये दोनों पेन साइज़ में छोटे बड़े लगते हैं। ये जो है दिस इज़ perspective is used for scaling in three dimensional space. ये एक flat two dimensional paper है, flat paper है, और उसमें जब आपने three dimensionality का image impression डालना है, illusion डालना है, तो आप 1 point, 2 point या 3 point perspective use करते हैं।
अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव की। आपने ये किया कि आपने जो वैनिशिंग पॉइंट है, जिसको आप वैनिशिंग पॉइंट कहते हैं वीपी, आपने वो वैनिशिंग पॉइंट जो है दो बनाए हैं, बनाने हैं। एक वैनिशिंग पॉइंट आप इस तरफ बनाएं, एक वैनिशिंग पॉइंट आप इस तरफ बनाएं। अभी एक ग्रिड सा बनाएं, थ्री डिमेंशनल ग्रिड, और इसमें मैं इस पॉइंट पे कुछ और लाइनें ऐड कर देता हूँ, ताकि ज़रा इधर डिटेल हम अगर ड्रॉ करना चाहें इस एरिया में तो हमें ड्रॉ करने में मुश्किल ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे एक पहिया बनाना है, तो मैं जो बड़ी आसानी से एक पहिया बनाता हूँ। आपने करना ये है कि आपने इसके इर्द गिर्द एक आर्च बनानी, दैट एक्चुअली कवर्स द इंटायर पोर्शन, इट्स अ थ्री डिमेंशनल सर्कल और एन एलिप्स। इतना हिस्सा इस तरफ वाला इक्वल है इतने हिस्से के, और इतना हिस्सा जो है इस लाइन से, इतना हिस्सा जो है वो इक्वल इधर का और इधर का एक दूसरे से बराबर है। अब इसी के ऊपर आप एक स्ट्रेट लाइन बनाएं, और यहाँ से आप एक और स्ट्रेट लाइन बनाएं, और अब इसी के ऊपर आपने उसी सर्कुलर शेप को रेप्लिकेट करना है। मसलन आपने जो है सर्कुलर शेप को ऐसे रेप्लिकेट करना है, और ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि कभी कभार आप जो है नीचे से ले जाते हैं सर्कल को, तो इसका ध्यान रखें। ये मैं दूसरे वाले पेन से ज़रा करने की कोशिश करता हूँ, और अगेन आप इसको थोड़ा सा फर्दर डेप्थ देने के लिए एक वाटर डाउन इंक यूज़ करें थोड़ी सी। अब नाउ दिस लुक्स लाइक अ वेरी क्रूड टायर, बट द मोर यू प्रैक्टिस इन पॉइंट पर्सपेक्टिव, आपकी ड्राइंग्स जो हैं और बेहतर होती जाएंगी। लेट्स कम बैक एंड वी ट्राई टू ड्रॉ समथिंग एल्स, लाइक लेट्स से यहाँ पे हम लोग एक और शेप बनाने की कोशिश करते हैं। सो वी ड्रॉ अ स्ट्रेट थ्री डिमेंशनल ऑब्जेक्ट। ये जो है एक हम एक अस्यूम करते हैं कि कोई एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है। वी ड्रू इट इन लाइक अ थ्री डिमेंशनल बॉक्स शेप। दिस इज हाउ यू ड्रॉ थ्री डिमेंशनल सीनरी और अ लैंडस्केप ड्राइंग। इसमें जो है बिल्डिंग्स के डिस्टेंसेस की वजह से और बिल्डिंग्स की हाइट्स की वजह से देर इज़ डिफरेंस ऑन स्केलिंग, क्योंकि हर बिल्डिंग एक जैसे साइज़ की नहीं होती है, कुछ बिल्डिंग डिफरेंट साइज़ की होती है। मसलन लेट्स से कि अगर मैं इधर ही एक और बिल्डिंग बनाता हूँ ऑफ द सेम स्केल, तो वो जो है इस तरह बनेगी, तब इसी के साथ अगर होगी, ठीक है। तो ये एक और बिल्डिंग है, और ये कि जैसे जैसे आप वैनिशिंग पॉइंट के करीब आते जाते हैं, जो उनकी जो आप पेन जो यूज़ करें जिनसे आप इनकी थिकनेस डिफ़ाइन करें, उसको आप कम कर दें। मसलन पतला पेन यूज़ कर लें, या थोड़ा सा आप उसमें लेट्स सी मोटा पेन यूज़ कर लें। मसलन ये वाला पेन जो है ये ज़रा थोड़ा सा उससे मोटा है। आप अगेन बड़ा सा मोनोलिथ भी बना सकते हैं, मसलन कोई टावर्स हैं जो कम्युनिकेशन टावर्स वगैरह होते हैं वो लगे हुए हैं। सो ये कि आप आहिस्ता आहिस्ता इस तरह अपनी ड्राइंग्स को इम्प्रूव करते करते, अब अगर आप इसके ऊपर एक और पेज रख के सारी ड्राइंग को उसके ऊपर ट्रेस कर लेंगे, तो एक और आपके ऊपर रिफाइंड ड्राइंग आ जाती है, और आप जो है फर्दर काम करते करते इस ड्राइंग को और फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ पॉइंट पर्सपेक्टिव लेसन। वी विल बिगिन विद टमोरो विद नेक्स्ट लेसन, जिसमें हम लोग थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव को ज़रा सा टच करेंगे। थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव ज़रा थोड़ा सा टफ और ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आई होप के वी कैन कवर इट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।